चुनावी रण में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर और भी तेज होता जा रहा है। सभी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसी बीच अब बीजेपी के एक मंत्री का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो ओबीसी को आड़े हाथों ले रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। योगी सरकार के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी को जवाब देते हुए कहा कि डरपोकों की औलाद असुद्दीन ओवैसी द्वारा हिंदुओं को चुनौती देने का जो दुस्साहस किया है, वो आगाह करना चाहते हैं कि इस देश में योगी और मोदी का ही राज रहेगा और तुम भी हिंदुओं की औलाद हो। हमें अफसोस है कि डरपोक हिंदू की औलाद हो जो मुगलों के तलवार से मुसलमान बन गए, जो जजिया पर न कर दे सके लालच में मुसलमान बन गए, जो भाइयों का हिस्सा हड़प ले मुसलमान बन गए। जवाबी हमले में कहा कि हम हिंदू बहादुर हिंदुओं की औलादे हैं जो मुगलों की तलवारों से नहीं डरे, जिन्होंने जजिया कर भी दिया और उनके अनेक प्रताड़ना भी सह लिए, लेकिन हिंदुत्व को नहीं त्यागा। कहा चुनौती देने का दुस्साहस ना करो, कब्र से तुम्हारे अब्बा भी निकल कर आ जाएंगे। मोदी और योगी का राज बना रहेगा और हिंदू और हिंदुत्व की जय जयकार होती रहेगी। डरपोकों की औलाद असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा हिंदुओं को चुनौती देने का जो दुस्साहस किया जा रहा है, मैं आगाह करना चाहता हूं कि इस देश में योगी और मोदी का ही राज रहेगा, अब तुम्हारे मुगलों का राज नहीं आने वाला है और तुम भी हिंदुओं की औलाद हो। हमें अफसोस है कि डरपोक हिंदुओं की औलाद हो जो मुगलों की तलवार के डर से मुसलमान बन गए, जो जजिया कर न दे इस लालच में मुसलमान बन गए, जो भाइयों का हिस्सा हड़प ले इस लालच में मुसलमान बन गए। हम हिंदू उन बहादुर हिंदुओं की औलादे हैं जो मुगलों के तलवारों से नहीं डरे, जिन्होंने जजिया कर भी दिया, अनेक प्रताड़नाएं भी सहे, लेकिन हिंदुत्व को नहीं त्यागा। चुनौती देने का दुस्साहस नहीं करो, कब्र से तुम्हारे अब्बा जान भी निकल के आ जाएंगे, फिर भी मुगलों का राज नहीं आने वाला है, मोदी और योगी का ही राज बना रहेगा और हिंदू और हिंदुत्व की जय जयकार होती रहेगी। भारत माता की जय।